नमस्कार दोस्तों, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 4 अक्टूबर दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 4 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, आज की तिथि है त्रियोदशी। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पच चल रहा है कृष्ण पच। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:04 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:33 से शाम 3:44 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर 4 और शुभ रंग है पीला, लाल और ग्रे। दोस्तों अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि लक्ष्य के लिए सतत संघर्ष है जरूरी, भाग्य देता है अवसर। भारतीय दार्शनिक आचार्य चाणक्य का कहना है कि भाग्य ऐसे कर्मशीलों का साथ नहीं छोड़ता जो लगातार लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में भाग्य पर सब निर्भर नहीं होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करना भी पड़ता है। भाग्य से व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य के विचार से सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो असफलताओं से नहीं घबराता है। वहीं सफलता ना मिलने पर जो भाग्य को दोष देते हैं उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। ऐसे लोग सफलता के स्वाद को चखने के लिए तरसते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब बार बार कठिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति को भाग्य को दोष देने की जगह उस कर्म को करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर किन कार्यों की अपेक्षा सफलता नहीं मिल रही है, कमजोर रणनीति के कारण ही व्यक्ति सफलता से वंचित रह जाता है। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य के अनुसार आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु तो शिशु के गर्भस्थ से होने के साथ तय हो जाते हैं जो नहीं बदले जाते। इसलिए कर्म करने में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदल सकता है। जो जीवन में आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, फिर आपके भाग्य में क्या है इसका पता आपको नहीं होता है। इसलिए बिना चिंता आपको निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। चाणक्य के अनुसार युद्ध सिर्फ शस्त्रों से ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भी जीता जाता है। जिस देश के सैनिकों का आत्मविश्वास मजबूत होता है वे सीमित संसाधनों से भी शत्रु को पराजित करने की शक्ति रखते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। सफलता के लिए व्यक्ति का आत्मविश्वास ही बहुत ही जरूरी होता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। दोस्तों आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आगे जानते हैं। तो दोस्तों खाने पीने की ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा है। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा और साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए अपने खाली समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर के साथ बहुत ही खुशियां पाएंगे। लोगों के साथ बात करने में आज आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है। आज अपने परिवार के साथ आप घूमने का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं आज आपका दिन पहले से थोड़ा बेहतर हो सकता है। कार्य क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश करने की आप कोशिश करेंगे। किसी काम के लिए कई दिनों की जा रही मेहनत आज आपको फल की प्राप्त हो सकती है। आपको अपने बच्चों से काम में सपोर्ट मिलेगा। संगीत से जुड़े लोगों को कोई अच्छी प्लेटफॉर्म पर जाने का अवसर मिल सकता है। आपको कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। बदलते मौसम में
आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने खान पान में भी बदलाव करना चाहिए। किसी जरूरतमंदों को कम्बल दान करें, जीवन में चीजें बेहतर होंगी। साथ ही साथ आपको बताएं, आपके लिए आज भाग्य के नए द्वार खुल जाएंगे। आप थोड़े से प्रयासों में महान उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। आज आप नई ऊर्जा और उद्देश्य की भावना से अपने आप को प्रेरित पाएंगे। आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे और आपकी कड़ी मेहनत के लिए यथोचित प्रशंसा प्राप्त होगी। अपने कार्य में आपको अनपेक्षित स्रोतों से सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। रिश्तों में किसी भी प्रकार की असहमति आसानी से सुलझ जाएगी। परिवारजनों से सहायता तथा समर्थन प्राप्त होगा। कोई शुभ कार्य भी परिवार में आयोजित किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, इस समय अपने व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत जीवन में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप विशेष रूप से प्रेरित हो सकते हैं। अपने जीवन में कुछ परिवर्तन और सुधार लाने की सख्त जरूरत आप महसूस करेंगे। साथ ही आपको बताएं, लेन देन और निवेश में थोड़ी सावधानी जरूरत रखें। कोई भरोसेमंद इंसान भी आपके साथ धोखा कर सकता है। घरेलू जीवन के लिए उमंग भरा दिन हो सकता है। आप कोई बड़ा सामान भी घर के लिए खरीद सकते हैं। नया वाहन खरीदने के लिए भी यह समय काफी उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही शानदार हो सकता है। जीवन साथी से भरपूर प्रेम व सहयोग की आप आशा कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से यह समय ठीक ठाक रहेगा। इस समय आप अपने मनोभाव तरोताजा रखने के लिए सैर सपाटे पर भी जा सकते हैं। अच्छे माहौल का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। बिजनेस में अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आप अच्छा धन कमाएंगे। आपको आर्थिक परेशानियां खत्म होती हुई नजर दिखेंगी और पुराना उधार दिया धन आपको वापस मिलने की उम्मीद रहेगी। साथ ही साथ आपको बताएं, थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए किसी एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर आप समय जरूर व्यतीत करेंगे। इससे आप पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्र कर पाएंगे तथा आपकी सोच भी संतुलित और सकारात्मक बनी रहेगी। किसी मित्र या रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय अपने निर्णय को सर्वोत्तम रखना आपके लिए उचित रहेगा। भाइयों के साथ भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना, वरना आपको आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पारिवारिक वातावरण बहुत ही सकारात्मक बना रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह व आशीर्वाद से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, व्यवसायिक गतिविधियां पहले की तरह ही रहेंगी। इस समय भविष्य संबंधी योजनाओं को अभी स्थगित रखना, वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। जल्दी ही समय की गति आपके अनुकूल होगी। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर आपको मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमने से मन को शांति व सुकून का अनुभव होगा तथा आपके परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार में कुछ मतभेद भी रहेगा, इसलिए आज आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालें। इससे आपको खुशी का अनुभव होगा व आपके परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे। प्रेम संबंध में एक दूसरे का साथ बनाए रखें। साथ ही साथ पति पत्नी में विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा। इसके चलते घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय श्रेष्ठ रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपके दिनों दिन उत्तम बने रहेंगे। साथ ही साथ उन जातकों की बात करें जो अब तक सिंगल या अकेले हैं, तो उनके प्रेम जीवन में उनका प्यार के प्रति आज किसी इंसान से मुलाकात हो सकती है और आपका दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आज दिन में स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपका सहसी और दृढ़ स्वभाव आपको निरोगी रखने में अग्रसर होगा। आज किसी नई व्यायाम पद्धति का प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त दिन है। साथ ही आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।